मध्य प्रदेश में 18 फरवरी से 10वीं और 17 फरवरी से 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। रीवा जिले में भी तैयारियां फाइनल स्टेज पर हैं। परीक्षा से पहले परीक्षा केंद्र भी फाइनल हो चुके हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने जो लिस्ट भेजी थी उस पर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अंतिम मुहर लगा दी है। बता दें कि रीवा में कुल 99 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा देंगे। इन परीक्षा केंद्रों में हाई स्कूल के 37,286 छात्र शामिल होंगे। वहीं हायर सेकेंडरी में 22,758 छात्र परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों में तमाम व्यवस्थाओं के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा हाई स्कूल कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षाएं 18 से और हाई सेकेंडरी में 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होंगी। बता दें कि परीक्षा केंद्रों में गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों को भी शामिल किया गया है। गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1-2, मारतंड स्कूल 3 और 2, एक्सीलेंस स्कूल रीवा, पीके गर्ल्स स्कूल रीवा, एसके स्कूल गर्ल्स हायर सेकेंडरी पांडेन टोला, निपनिया हायर सेकेंडरी स्कूल पुष्पराज, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गोविंदगढ़, गर्ल्स स्कूल गोविंदगढ़, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर करचुलियान के साथ साथ बीबीएस स्कूल आजाद नगर, दीप ज्योति स्कूल बरा, आदर्श शिशु विद्यालय मऊगंज,